हाय एवरीवन, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ पर दो 4 वोल्ट की बैटरी है, जो कि मस्कीटो किलर जो हमारा रैकेट होता है, बैट होता है, उसके अंदर मिलती है, और एक मिलती है हमें टॉर्च के अंदर। तो चलिए किस तरीके से इसे रिपेयर करना है, ठीक करना है बताऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से और कम बजट में यह रिपेयर करके बताऊँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, ये जो बैटरी देख रहे हैं आप, ये हमें 120 से 130 रुपए के बीच में मिलती है, और जो छोटी बैटरी है वह 50 से 70 रुपए के बीच में हमें लोकल मार्केट में मिलती है। हर मार्केट का रेट यहाँ पर अलग अलग होने वाला है। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस बैटरी को यहाँ पर आपको मैं चेक करके बता देता हूँ, इस बैटरी को मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर लगा दिया है, और दोनों बैटरी को मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा। तो देखिए, ये इसका निगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो देखिए, यहाँ पर इस बैटरी में अभी 70 के करीब यहाँ पर वोल्टेज था, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर डाउन हो रहा है। अभी इसे बाजू में रख देते हैं और दूसरी जो बैटरी है उसे यहाँ पर लेते हैं। देखिए, ये बड़ी बैटरी है, इस वाले बड़ी वाली बैटरी को यहाँ पर चेक करेंगे, जो कि लेड एसिड बैटरी है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं बता रही है। तो मल्टीमीटर को मैं बाजू में कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। तो देखिए, इन बैटरी को किस तरीके से ठीक करना है, बहुत ही कम बजट में ये बैटरी ठीक हो जाती है, बड़ी आसानी से घर पर ठीक हो जाती है। तो कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इस तरीके की एसिड आती है, देखिए गाड़ियों का जो एसिड आता है, जो आपको बैटरी की शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसमें एक हमारा डिस्टिल वाटर आता है, जो कि 10 रुपये में हमें पड़ता है, और ये जो है एसिड, ये हमें 30 रुपीज़ में पड़ता है। तो YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें कोई कोई नींबू का पानी डाल देता है और चार्ज करके बताता है, कोई कोई जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसमें नमक डालते हैं और उससे भी चार्ज करके बताते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एसिड डाल के चार्ज करके बताऊंगा क्या ये चार्ज होती है या नहीं होती है, और चार्ज होने के बाद में क्या ये वर्क करती है। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, अगर आप इस तरीके की बैटरी को रीयूज़ में लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो अब इस बैटरी को मैं आपको चेक करके बता देता हूँ क्या इसके अंदर में सच में वोल्टेज है। तो अभी एक LED लेते हैं और उसकी मदद से हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं क्या ये वर्क करती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक 5 वोल्ट से चलने वाला LED लिया है, जो कि स्ट्रिप है, और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने 20 की रेंज पर लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और मेरे हाथ में यहाँ पर देख सकते हो एक चार्जर के, जो कि हमारा मोबाइल का चार्जर होता है, उसका यहाँ पर ये वायर है, जो कि आप ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए, इसको मैं यहाँ पर देखिए इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं 220 वोल्ट प्लग से कनेक्ट कर दिया है, आप प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट हमें यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, अब इससे मैं आपको ये वाली यहाँ पर जो हमारी लाइट है उसे रन करके बताता हूँ। देखिए, ये देखिए, अब हम इस वाले वायर को बाजू में रख देते हैं चार्जर का, और इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं क्या हमारी कोई यहाँ पर बैटरी में चार्जिंग है। देखिए, यहाँ पर कोई भी लाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है। अब इस वाले बैटरी को बाजू कर देते और इससे यहाँ पर जला के देखते, देखिए यहाँ पर भी कोई लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए, इस वाले जो स्ट्रिप है इसे बाजू में कर देता हूँ मैं, और सबसे पहले हम इस बैटरी को खोलेंगे, बाद में उस बैटरी के बारे में, छोटी बैटरी के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके का ट्वीज़र ले लेना है, और इसके ऊपर का कवर आपने निकाल देना है, जो कि इस तरीके से है, और ये जो इसकी कैप है, इन कैप को भी यहाँ पर निकाल देना है आपने, जो कि इसके अंदर यहाँ पर अभी बहुत सारा गैस भरा है, तो देख सकते हो, और इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना है। तो देखिए, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना है, तो मैं इसे यहाँ पर संभाल के रख देता हूँ। अब देखिए, एक सिरिंज लेना है आपने, जो कि इस तरीके का होता है,
तो ₹10 में आपकी बैटरी यहाँ पर ₹10 भी नहीं लगेंगे आपको, ₹10 की रेंज में आपकी बैटरी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर का जो ये कवर है यहाँ पर इसे लगा कर रख देना है। हमने सिर्फ इसका जो ये पीछे का है इसे ही लेना है। और ये जो एसिड है देख सकते हो, इस एसिड में से मैं थोड़ा एसिड ले लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा एसिड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। एसिड को सावधानी पूर्वक लेना है वरना आपके हाथ पर ये गिरेगा तो आपके हाथ में खुजली हो सकती है। चलिए थोड़ी मात्रा में मैंने यहाँ पर एसिड ले लिया है। अब सिरिंज की मदद से हम इसमें डालेंगे। तो चलिए इसकी जो ये सामने वाली पिन है इसे हम लगा लेते हैं। तो मैंने लगा दिया है, थोड़ा इसे साइड में कर लेता हूँ मैं ताकि ये ऊपर काउंटर के ऊपर ना गिरे। तो चलिए अब देखिए इस सिरिंज की मदद से हम इसके अंदर भरेंगे। तो देखिए देखिए इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ एसिड को, जितना इसके अंदर एडजस्ट हो उतना ही आपने डालना है, ज़्यादा का नहीं डालना है। तो देखिए और लगेगा मुझे इसमें डालने के लिए, तो मैं और एक ले लेता हूँ। तो चलिए दूसरी वाली जो बाजू है उस साइड में भी हम डाल देते हैं। तो देखिए ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो चलिए इस साइड से डालते हैं। तो देखिए इसमें लगभग 2 सिरिंज के करीब यहाँ पर लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए और डालते इसमें थोड़ा। तो देखिए हमने इस जो बैटरी में है वो दोनों में सेम मात्रा में यहाँ पर डालना है। देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देखिए और थोड़ा डालना पड़ेगा शायद इसमें, छोटी बैटरी के मुकाबले इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारा एसिड है हमारे पास। चलिए और डालती है उसमें। हाथों को सावधानी से रखना है वरना आपके हाथ में प्रॉब्लम बन सकती है। देखिए चलिए 2-2 सिरिंज हमने दोनों इसमें डाल दिए। अब मैं सिरिंज को रख देता हूँ। तो चलिए सिरिंज को मैंने हटा दिया है यहाँ से। अब हम यहाँ पर इसे चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो एक बार फिर से इसका जो यहाँ पर चार्जर है आपको चेक करके बता देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट के करीब वोल्टेज बता रहा है। तो चलिए ब्लैक के साथ ब्लैक को हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर शोल्डिंग ही कर देते हैं हम सीधा सीधा, और रेड के साथ रेड। तो देखिए अब इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं चार्जिंग के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, देखते हैं इसके अंदर कितनी चार्जिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले अब इसमें एसिड डालने के बाद में मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। तो इसका एक पॉइंट हमने यहाँ से ओपन कर लेना है और देखना है एसिड डालने के बाद में इसके अंदर कोई वोल्टेज तो नहीं बनी है। तो ये देखिए ब्लैक के साथ ब्लैक। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमने इसके अंदर एसिड डाला तो देख सकते हो इसमें 0 वोल्टेज था, तो अभी इसके अंदर 2 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज बन चुका है। तो चलिए इसे वही प्रोसेस करते हैं, चार्जिंग के लिए लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो भी होगा आपके सामने होगा, जेन्युइन वीडियो है, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए चार्ज करके बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। फ्रेंड्स
ये जो है विदाउट एसिड वाली बैटरी है, यानी कि इसके अंदर कुछ अलग सा टाइप का ये बैटरी है। तो इसके अंदर गैस बन जाने के बाद में ये बैटरी यहाँ पर वर्क नहीं करती है, यानी कि चार्ज नहीं होती है। तो आपका मस्कीटो बैट जो है वो अच्छे तरीके से मच्छर को मारता नहीं है, और जो आपकी किसान की जो टॉर्च होती है जो खेती बाड़ी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए यूज़ करते उसमें इस तरीके की बैटरी आती है, दोनों प्रकार की बैटरी आती है। तो उस टाइम क्या होता है, ये बैटरी यहाँ पर अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारी रोशनी है, वो रोशनी कम हो जाती है, और जो मच्छर को मारने का जो पावर है वो पावर भी कम हो जाता है मस्कीटो बैट का। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अब क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके की बैटरी आ रही है जो कि हमारी लिथियम की बैटरी है। इसके अंदर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं, और ये लगभग आपको 70 से 80 रुपये अलग अलग मार्केट के हिसाब से आपको इसके रेट देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये भी डेड कंडीशन में, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है तो इसी बैटरीज के ऊपर आने वाली है। तो चलिए अब तब तक हम इस बैटरी में एसिड को भर लेते हैं। तो देखिए वही प्रोसेस करना है दोबारा से, इसका जो यहाँ का कवर है इसे खोल लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका कवर हटा लेना है, और इसका भी जो ऊपर का है इसके मैं इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूँ मैं इसे, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भी हम अभी यहाँ पर एसिड को डालेंगे। तो चलिए दोबारा मैं आपको कहोगे कोई फेक वीडियो है, इसलिए मैं दूसरी बैटरी भी आपको यहाँ पर चेक करके बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर आपको मैंने वोल्टेज चेक करके बता दिया है, जो कि इसमें मिली एम्पेयर में वोल्टेज बता रहा था, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज था। तो चलिए हम इसमें भी एसिड डाल देते हैं। आपने एसिड ही डालना है, डिस्टिल वाटर नहीं डालना है, वरना कुछ लोग क्या है इसके अंदर डिस्टिल वाटर में नमक या फिर नींबू कुछ इस तरीके से डालते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। तो देखिए इसके अंदर जितना लगे आपको उतना आपने डालना है। तो देखिए मैं इस सिरिंज की मदद से यहाँ पर इसके अंदर एसिड को डाल रहा हूँ, देख सकते हो आप, लगता है बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए हमारी बैटरी दूसरी चार्ज होती है, तब तक हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सिरिंज में एसिड को भर लिया है, और आपका काम हो जाने के बाद में आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंड वॉश कर लेना है, वरना आपके हाथों में खुजली हो सकती है। तो देखिए इसके अंदर भी हम यहाँ पर एसिड को भर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर एसिड को डाल दिया है। क्या होता है, जब भी आप इस तरीके की बैटरी जो भी उपकरण में लगी हो, मस्कीटो बैट हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ ब्लूटूथ स्पीकर में भी ये बैटरी आती है, पहले आती थी अब नहीं आती है, अब लिथियम के सेल आते हैं, जिससे कि हमें अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है इससे कहीं अच्छा। तो चलिए देखिए भर चुका है ये, तो इसे भी हम यहाँ पर चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। तो बचा हुआ एसिड हम इसके अंदर डाल देंगे, जो कि मैंने डाल दिया है, और सिरिंज को हम वापस से रख देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें दोबारा ये यूज़ में आ सके। तो देखिए दोनों बैटरियों को कुछ इस तरीके से, अब मैं पैरेलली दोनों बैटरियों को चार्ज के लिए लगा दूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक करके बताता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर पहले मिली वोल्टेज में मिली वोल्ट देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अभी देखते हैं इसमें एसिड डालने के बाद में क्या बदलाव हुए हैं, क्या हमारे वोल्टेज इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बढ़े हैं, हमारा जो 70 वोल्ट था
उतना ही वोल्ट यहाँ पर बता रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा चार्जिंग का झटका दे देते हैं और देखते हैं क्या इसमें वोल्टेज बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर शोल्डिंग करके पैरेलली चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों बैटरी उसको मैंने यहाँ पर पैरेलली कनेक्शन कर दिया है जो कि अब चार्जिंग हो रही है। तो क्या होता है, जब हम इसे मस्कीटो बैट में लगाते हैं तो वहाँ पर 7 से 8 घंटा ये चार्जिंग के लिए लेती है, और हमारी जो किसान की बैटरी है वहाँ पर भी यह उतना ही चार्जिंग के लिए टाइम लेती है। किसान की बैटरी में ये थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाती है क्योंकि, और ये जो किसान के जो टॉर्च में लगी होती है वो हमारे चार्जर से चार्ज होती है, जैसा कि हमारा मोबाइल का चार्जर होता है 5 वोल्ट का, उस टाइप से। तो चलिए हम इन्हें चार्जिंग के लिए छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए, बाद में देखते हैं। और इसको मैं यूज़ भी करके बताऊँगा आपको, यानी कि इसमें लाइट लगा कर बताऊँगा, वोल्टेज भी चेक करके बताऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए चार्ज करके रखा है, फिर भी 1/2 से 1.25 घंटे के लिए चार्ज करके रखा है। तो इसका जो चार्जर है इसे मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, और इसकी यहाँ से जो कनेक्शन है इन्हें मैं हटा लेता हूँ, और देखते हैं इसके अंदर कितना करंट स्टोर हुआ है। तो चलिए मैंने हटा दिया है, देखिए अब मल्टीमीटर से सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर वोल्टेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए जो भी है आपके सामने है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 वोल्ट से प्लस प्लस हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए कोई भी फेक वीडियो नहीं है। और इसके साथ अभी मैं आपको यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर हमारा LED लाइट है, पहले यहाँ पर नहीं चल रहा था लेकिन अभी वो यहाँ पर वर्क करेगा। देखिए इस न्यूट्रल के साथ, यानी कि माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, तो देखिए हमारा लाइट यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स कोई भी फेक वीडियो नहीं है, जेन्युइन वीडियो है। देखिए तो चलिए इस बैटरी को अब मैं बाजू में कर देता हूँ और आपके सामने जो भी होगा देखिए। अब नेक्स्ट वाली बैटरी का यहाँ पर मैं करंट चेक करता हूँ। चार्जिंग से पहले इसमें मिली एम्पेयर में वोल्टेज था, यानी कि 70 mA वोल्टेज था। आप देखते हैं चार्जिंग के बाद में इसका वोल्टेज यहाँ पर कितना बन चुका है। देखिए ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट से प्लस वोल्टेज शो कर रहा है। तो चलिए आपको मैं अभी इस वाले LED से इसे चेक करके बताता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर रेड के साथ रेड को कनेक्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। देखते हैं यहाँ पर ये LED जलती है या नहीं। मल्टीमीटर में तो आपको वोल्टेज बता दिया है, देखिए कोई भी फेक वीडियो नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स हमारी LED यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स देखिए बेझिझक चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ से मैं ऑन ऑफ करके बताता हूँ आपको। देखिए फेंकने से पहले एक बार बैटरी को रिपेयर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप एक 30 रुपीज़ की एसिड की बॉटल लेते हो और एक सिरिंज लेते हो तो 3500 रुपये में आप जितनी चाहे इस तरीके की बैटरी रिपेयर कर सकते हो, जब तक कि आपका एसिड ख़त्म ना होता है। और 1 लीटर एसिड में आप ऐसी बहुत सारी बैटरी उसको रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलती है, जो भी मिलती है जेन्युइन वीडियो मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, टेस्ट करके देखिए यहाँ पर कोई भी दूसरे वायर लगे नहीं हैं, बिल्कुल रियल वीडियो है। आप ऊपर के कवर निकाले थे उन कवरों को हमने यहाँ पर लगा देना है, जो कि कुछ इस तरीके से देखिए। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पर LED ग्लो कर रही है। तो अगर आपके पास इस तरीके की बैटरी है तो उन बैटरी को आपने इस तरीके से रिचार्ज करके यानी रिपेयर करके देखना है। तो आपको डिजिटल वाटर 30 रुपीज़ में मिलेगी, और एक सीरीज लेना है आपने जो कि आपको 3 से 5 रुपये के बीच में मिल जाती है, और 3500 रुपये में आप जितनी चाहे उतनी बैटरीज को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। फेंकने से अच्छा है, आपको एक बैटरी 60-70 रुपये की मिलती है, और ये बड़ी लेने जाओगे तो 100-125 रुपये 130 रुपये के बीच में मिलती है। तो इनको लेने से अच्छा है आप इन्हें रिपेयर करें। और ये देख रहे हैं आप इन बैटरी का वीडियो भी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी ये यहाँ पर डेड कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली किसी इसी तरह का टॉपिक लेके।